अगर आप लोग नहीं जानते कि इंडिया के अंदर एक राम सेतु ब्रिज है और इसको राम की तरफ से बनाया गया था। हिंदू मैथोलॉजी के अंदर इसको एक जंग के दरमियान बनाया गया था और अब इसको कई बार तोड़ने की कोशिश की गई है और वो भी सेकुलर लोगों की तरफ से। राम सेतु पर अक्षय कुमार एक फिल्म ला रहे हैं जिसके अंदर ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वाकई में राम सेतु एक रियल कहानी है या फिर ये सब कुछ एक झूठ। और इस वक्त बॉलीवुड फ्लॉप हो चुका है, लेकिन इस दौरान जितनी भी हिंदू मैथोलॉजी पर मूवीज बन रही हैं वो सब सुपर हिट जा रही हैं। इस साल अक्षय कुमार की जितनी भी मूवीज आई हैं सब की सब फ्लॉप गई हैं और राम सेतु अकेली एक ऐसी मूवी है जो कि अक्षय कुमार के कैरियर को बना सकती है। राम सेतु के टीजर को यूट्यूब पर नहीं बल्कि अक्षय कुमार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम के अकाउंट पर रिलीज किया गया और इसके साथ ही इसका फर्स्ट पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया था। राम सेतु एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और इसमें सबसे पहले तो अक्षय कुमार इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद इसको किसी वजह से गिराया जा रहा होगा और इसको बचाने के लिए भी अक्षय कुमार ही आगे आएंगे और इसके एक्शन के साथ हमें कोर्ट ड्रामा भी देखने को मिलेगा। खैर, ये थे मेरे ओपिनियन राम सेतु के ट्रेलर को लेकर। आप क्या क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं या फिर कुछ भी देखकर या सुनकर मजा आया हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना इस चैनल को।